एक दिन अमन अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को देखने के बाद उसे लगता है इसकी शक्ल तो जानी पहचानी है और वह उसका नाम लेकर एकदम से उसको पुकारता है। वह कहता है कि निशा कहाँ जा रही हो। जैसे ही निशा पीछे मुड़कर अमन को देखती है तो एकदम से तेज़ तेज़ भागने लगती है। दोस्तों वह लड़की और कोई नहीं उसी की पत्नी थी जिसका कुछ दिनों पहले उससे तलाक हो गया था। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, किस वजह से इन लोगों का तलाक हुआ था और यह अब फिलहाल इसे देखकर भाग क्यों रही है। पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सरोत और आप लोग देख रहे हो ब्रेंड वन चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की सच्ची घटना है बिहार के समस्तीपुर ज़िले की। बिहार के समस्तीपुर ज़िले में एक शादीशुदा जोड़ा रहा करता है। लड़के का नाम अमन होता है और लड़की का नाम होता है निशा। दोनों बड़े प्यार से ही एक घर के अंदर रहा करते हैं। उनके पास पुश्तैनी ज़मीन है, उस पर खेती किया करते हैं और उसी से उनका गुजर बसर अच्छी तरह से हो रहा था। अभी शादी को कुछ ही दिन हुए थे, तभी जो निशा है उसके मन में लालच जागने लगता है। वह जैसी दुनिया की चमक धमक को देखती है तो वह भी सोचती है कि ये सभी चीज़ें हमारे पास भी होनी चाहिए। नई नई साड़ी, नई नई ज्वेलरी और गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो इस चीज़ को दिमाग में रखकर वह अमन से कुछ अच्छी तरह से बात नहीं किया करती हैं। अब इस बात को अमन भी नोटिस करता है और वह एक दिन अपनी पत्नी निशा से पूछता है कि निशा ऐसा तुम्हें क्या हुआ जो तुम इस तरह से उखड़ी उखड़ी सी रहती हो। तो निशा उसे कहती है कि तुम ये खेतीबाड़ी करते हो और इस खेतीबाड़ी से कब तक ज़िंदगी जिएंगे, इससे हमारा गुजारा नहीं होगा। तुम कोई अच्छा सा काम करो जिससे और ज़्यादा पैसे आएँ और हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जी सकें। अब इसके बाद अमन की समझ में आ जाता है कि ये दुनिया की चमक धमक को देख कर बौखला गई है। वह उसे समझाता है और कहता है कि ये सब कुछ नहीं देखते, अगर तुम अमीरों को देखती हो तो उन गरीबों को भी तो देखो जो हमसे नीचे हैं। हमारे पास कम से कम अपनी छत है, अपना रोज़गार है और हम अपने बलबूते पर ज़िंदगी को जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोड के साइड पर पड़े रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही निकालते हैं। अब इस बात को समझाने के बाद जो निशा थोड़ी सी शांत हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग से वो ख्याल जाता नहीं है। धीरे धीरे करके कुछ दिन और बीतते हैं, तभी एक दिन अमन अपनी पत्नी निशा से कहता है कि निशा अब काफ़ी दिन हो गए हैं और हमें एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। इस बात को सुनकर निशा अमन पर झिल्ला उठती और कहती है कि बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, अब उस बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा, हमारा गुजारा तो अच्छी तरह से हो नहीं रहा और तुम चाहते हो कि मैं एक और नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाऊं जो हमारी तरह ही तड़पे पैसों के लिए। पहले तुम अच्छा सा काम करो और उसके बाद ही बच्चा प्लान करेंगे। इस बात को कहकर वो अमन को चुप करा देती है। अब अमन जैसे ही इस बात को सुनता है तो वो गहरी सोच में डूब जाता है। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है, लेकिन जो अब निशा है उसका लालच कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। वह दुनिया की चकाचौंध को देखकर उसी तरह से जीना चाहती थी। वह बार बार अपने पति से लड़ाई किया करती, उससे कहा करती कि तुम कमाते नहीं हो, घर में ये चीज़ नहीं है, घर में वो चीज़ नहीं है और इस तरह से कैसे जीवन बीतेगा। ऐसे ही एक दिन उन दोनों की लड़ाई होती है और उसी लड़ाई के दौरान जो निशा है वो अपने मायके चली जाती है। वो सोचती है कि अगर मैं मायके में रहूँगी तो ये सुधर जाएगा और ये बढ़िया सी नौकरी करने लगेगा और हमारा गुजर बसर अच्छे से होने लगेगा। हालांकि उनके गुजर बसर में कोई दिक्कत नहीं थी, खेतीबाड़ी किया करते थे और उनकी ज़रूरत के लायक पैसे उन्हें मिल जाया करते थे। अब निशा अपने मायके से एक दिन मार्केट जाती है और मार्केट में उसे उसकी एक पुरानी सहेली मिलती है जिसका पति काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला था। वह गाड़ी से उतरती है, नए नए कपड़े उसने पहने हुए थे और उसके बाद वह एक शॉपिंग मॉल में जाती है, वहाँ से कपड़े खरीदती है। निशा छुपके उसका पीछा कर रही थी और उसे देख रही थी ये अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जी रही है। अब उस लड़की को देखने के बाद वह उसके बारे में पता करती है और उसे पता चलता है कि इसका जो पहला पति था वो अच्छी तरह से कमाता नहीं था, तो इसने उसे तलाक दे दिया और ये दूसरा पति है जो इसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करता है और इसे अच्छी तरह से रखता है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है और पूरी लग्जरी लाइफ ये लोग जी रहे हैं। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद निशा के दिमाग में भी एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं अमन को तलाक दे दूँ और तलाक देने के बाद एक अमीर पति से शादी कर लूँगी, मेरा क्या मतलब है, मैं बार बार इसको समझाती हूँ और ये मानता भी नहीं है। इस बात को सोचकर वह अपने घर वालों से बात करती है और उनसे कहती है कि मैं अमन को तलाक देना चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। घर वाले पहले तो थोड़ा सा उसको समझाते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानती है तो कहते हैं कि बेटी जैसी तेरी इच्छा हो वैसा करो। उसके बाद निशा अपने पति अमन के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब इस बात को जैसे ही अमन सुनता है तो वो सोचता है कि ये मजाक कर रही है और कहता है कि मजाक मत करो, ये टाइम मजाक का नहीं है और काफ़ी दिन हो गए तुम्हें जाए, अब तुम वापस आ जाओ। लेकिन इसके बाद निशा एक बार फिर से कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए और ये मेरा फाइनल फैसला है। अब इस बात को सुनने के बाद जो अमन है वो एकदम से बौखला जाता है और वो उस फ़ोन को काटता है और अपनी ससुराल में पहुंच जाता है।
और वहाँ जाने के बाद वो अपने ससुराल वालों से बात करता है, लेकिन निशा के भैया भाभी, निशा के माता पिता निशा की तरह ही बात कर रहे थे, क्योंकि निशा ने पहले ही कह दिया था कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो अमन है वो वापस आ जाता है। इस बात को जैसे ही अमन के माता पिता देखते हैं तो वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमन निशा से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था तो वह कैसे उसे भुला पाता। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं, अब निशा और अमन का दोनों का तलाक हो जाता है। अमन अपने घर है, निशा अपने घर है। तलाक होने के बाद इस तलाक का बहुत गहरा असर अमन के दिमाग पर पड़ता है। अब इसके बाद अमन सोचता है कि इस दुनिया में जीने का ही क्या फ़ायदा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार किया करता वही अब मुझसे अलग रहती है। ऐसा सोचकर वो खेतों में डालने वाली कीटनाशक को पी जाता है। जैसे वो कीटनाशक को पीता है तो ये बात घर में पता चलती है और वो घर वाले उसको उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट के कुछ दिनों बाद वो बच जाता है। अब हॉस्पिटल से आने के बाद भी बहुत ज़्यादा मायूस रहा करता, इधर उधर ऐसे ही घूमा करता, ना कभी हंसा करता ना ही ढंग से खाया करता। तभी उसका एक दोस्त जो दिल्ली रहा करता है, दिल्ली ही काम किया करता है, वो छुट्टियों में अपने घर आया था। वह अमन का बचपन का दोस्त था तो वह अमन के पास आता है, उसकी हालियत को देखता है, उसके घर वालों से बात करता है और अमन से कहता है कि अमन यहाँ पर तुम रहोगे तो तुम्हें उसकी यादें सताती रहेंगी, तुम ऐसा करो मेरे साथ दिल्ली चलो, वहाँ पर कोई नौकरी कर लेना, तुम्हारा मन भी बढ़ जाएगा और एक नई दुनिया रहेगी, नई जगह होगी, नए लोग होंगे और तुम्हारा अच्छी तरह से वहाँ जी लगने लगेगा। ऐसा कहकर वो अमन को अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर एक कंपनी के अंदर जॉब लगा देता है। इधर जो निशा है, निशा अमन को तलाक दे चुकी थी, अब वो अपने घर में रहा करती और धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ ही उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। अब माता पिता के बाद घर बार भैया भाभी का हो गया था और भैया भाभी अब उसको ताना मारा करते, कहा करते कि तूने अपने पति को तो तलाक दे दिया और यहाँ पर हमारी जान खाने के लिए बैठी हुई है। बार बार उसे ताने दिए जाते तो अब इन सभी चीज़ों से दुखी होकर वह एक फैसला लेती है। वो सोचती है कि मैं कमाने जाऊंगी और कमा कर अपना भरण पोषण किया करूंगी। अब वह काम करने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ जाती है और वहां पे काम करने लगती है। काम करते करते धीरे धीरे उसका टाइम बीत रहा था, बड़ी ही दुखी थी, ना ही उसकी दूसरी शादी हुई थी, क्योंकि तलाक के बाद जो भी लड़के उसे देखने के लिए आया करते वो निशा को पसंद नहीं आते हैं, तो इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई थी। अब जो निशा है वो काम किया करती और अपना भरण पोषण कर रही थी। धीरे धीरे इसी तरह से दिन बीत रहे थे। तभी निशा एक दिन ऑटो में बैठी हुई थी काम पे जाने के लिए, तो उसी ऑटो के अंदर एक अमन का पड़ोसी आकर बैठ जाता है। निशा जैसे ही उसको देखती है तो उसे देखते ही पहचान लेती है। वो अमन के बारे में उससे पूछने लगती है। वो कहती है कि भैया अमन कैसा है, तो वह बताता है कि तुम्हारे तलाक होने के बाद अमन ने कीटनाशक पी ली थी और उसके बाद वह हॉस्पिटल रहा था। हॉस्पिटल रहने के बाद जब ठीक होकर वापस आया तो इधर उधर ऐसे ही डोला करता था, उसका कहीं भी मन नहीं लगता था। तभी उसका एक दोस्त जो दिल्ली काम किया करता है वो उसे अपने साथ ले गया और अब वो लोग वहीं पर रहा करते हैं। निशा इस बात को सुनते ही अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है। वो सोचती है कि मेरी वजह से हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, अगर मैं जिद ना करती ज़्यादा कमाने की तो हमारा घर अच्छी तरह से बसा रहता और मैं भी खुश रहती और वो भी खुश रहते। इस बात की शर्मिंदगी उसे दिल्ली खींच ले जाती है और वह सीधा दिल्ली उस जगह पर जहाँ पर उस व्यक्ति ने उसे एक एड्रेस बताया था, तो वहाँ उस कॉलोनी के अंदर चली जाती है। अब वहाँ जाने के बाद दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा घर होते हैं और दिल्ली में एक घर से दूसरे घर में कौन रह रहा है ऐसा भी किसी को पता नहीं होता है। वह जगह जगह पर पूछती पता करती, लेकिन अमन का वहाँ पर कोई भी अता पता नहीं था। अब थक हार को शाम हो गई थी और शाम के टाइम वो एक पार्क में जाकर बैठ जाती है। वह पार्क में बैठी हुई थी और उस पार्क में और भी कई लोग अपने बच्चों को लेकर आए थे। तभी वह देखती है कि अमन एक दुकान से एक बिस्कुट खरीद कर एक तरफ जा रहा है। वह अमन को देखते ही एकदम से खुश हो जाती है। वो सोचती है कि अमन तो मिल गया, अब मैं इससे बातें करूंगी और हम दोनों फिर से एक साथ रहेंगे। अब वो जैसे ही अमन के पास जाने ही वाली होती है तो अमन एक महिला के पास पहुंचता है। उस महिला की गोद में 2 साल का बच्चा था। वह उस बिस्कुट के पैकेट को फाड़ता है और उसमें से एक बिस्कुट निकाल कर उस बच्चे के हाथ में दे देता है। अब इस चीज़ को देखकर निशा समझ जाती है। वो सोचती है कि अमन ने तो दूसरी शादी कर ली है और अब अगर मैं मिलूंगी इससे तो ये बहुत बुरा होगा, इसकी वैवाहिक ज़िंदगी में कोई ना कोई फ़र्क पड़ सकता है। ऐसा सोचकर निशा अपने पैर पीछे हटा लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब वह दिल्ली के अंदर ही रहकर बड़े बड़े घरों में काम किया करती, झाड़ू पोछा बर्तन का काम किया करती और वहीं पर अपनी गुजर बसर कर रही थी। उसने एक किराए का कमरा लिया था, उसके अंदर रहा करती और सुबह शाम जाकर बड़े बड़े घरों में काम किया करती। धीरे धीरे समय बीतता है और उसे काम करते हुए लगभग 2-3 महीने हो जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन वो जब काम करके वापस लौट रही थी तो तभी जो अमन है वो एक बड़ी गाड़ी में वहीं से गुजर रहा था।
वह निशा को देखता है और देखते ही निशा उसे जानी पहचानी सी लगती है। जब वह उसे गौर से देखता है तो एकदम से आवाज मारता है, कहता है कि निशा तुम हो क्या। निशा पीछे मुड़कर देखती है और देखती है कि गाड़ी में अमन बैठा हुआ है। वह अमन को देखते ही एकदम वहां से भागने लगती है। अमन एकदम से अपनी गाड़ी को रुकवाता है और रुकवाने के बाद उससे उतरता है। उतरने के बाद निशा के पीछे भागने लगता है और भागते भागते निशा से कहता है कि निशा रुको तो सही, आखिर बात क्या है, बात बताओ, ऐसे भागने से किसी चीज का हल नहीं होता। इस बात को सुनकर निशा रुक जाती है, वहीं पर उसके पास जाता है और उससे कहता है कि निशा तुम भाग क्यों रही थी। इसके बाद निशा थोड़ी मायूसी हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। अमन एक बार फिर से कहता है कि निशा आखिर बात क्या है, तो मुझे देखकर इस तरह भाग क्यों रही थी। तभी निशा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती और एकदम से अपने तलाकशुदा पति को गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे ही वो रोती है तो अमन उसे चुप कराता है, सांत्वना देता है और वहीं पर साइड में सड़क के किनारे बैठने के लिए एक जगह थी तो वहां पर उसे बैठाता है। बैठने के बाद वह गाड़ी के अंदर से उसके लिए पानी लाता है, उसको पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रही थी। इसके बाद जो निशा है वो रोते हुए अमन से कहती है कि अमन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इस दुनिया की चमक दमक में इतना खो गई थी कि मुझे नहीं दिखा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। अमन उसकी सभी बातों को गौर से सुन रहा था। उसके बाद वह निशा से पूछता है कि निशा तुम यहाँ पर कैसे आई, तुम तो अपने मायके में रहा करती थी ना। उसके बाद निशा अपनी पूरी आपबीती अमन को सुनाती है। इन सभी बातों को सुनने के बाद अमन भी परेशान हो जाता है और एकदम से भावुक सा दिखाई देता है। जो निशा है वह उसे बताती है कि अब मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर रहा करती हूँ और यहाँ पर बड़े बड़े बंगलों में झाड़ू पोछा और बर्तन का काम किया करती हूँ। इस बात को सुनने के बाद अमन निशा के हाथों को पकड़ता है और उन्हें चूमते हुए कहता है कि तुम इस काम के लिए नहीं बनी हो, आज से तुम्हें कहीं भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो पैसा मैं दूंगा और तुम्हारी जो भी हेल्प मुझसे हो पाएगी मैं वो हेल्प करूंगा। तभी निशा अपने आंसुओं को पोंछते हुए अमन से पूछती है कि अमन ये बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, अच्छी गाड़ी है और अच्छी तरह से तुमने कपड़े पहन रखे हैं, कितना पैसा है तुम्हारे पास। उसके बाद अमन निशा को बताता है कि मेरे पास इतना पैसा है, जो ख्वाहिशें तुम्हारी थी मैं उन सभी को पूरी कर सकता हूँ। तो अब निशा पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो अमन बताता है कि जब तुमसे तलाक हो गया था तो मैं दिल्ली के अंदर काम करने आया था, मेरे दोस्त ने मुझे एक कंपनी में लगाया, उस कंपनी का काम मुझे अच्छी तरह से आ गया था। उसके बाद मैं गांव जाता हूं और जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी जिस पर हम खेती किया करते थे मैंने उसको बेच दिया और बेचने के बाद एक छोटी सी वर्कशॉप लगाई। उसके अंदर मेहनत की और मेहनत करने के बाद वो वर्कशॉप मेरी अच्छी तरह से चलने लगी और आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है और जिन चीज़ों की तुम कल्पना किया करती थी वो सभी चीज़ मैं चुटकियों में खरीद सकता हूँ। इस बात को सुनकर निशा की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगते हैं और वो अमन से कहती है कि ठीक है, अच्छी बात है, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अब हो भी क्या सकता है, हम दोनों अब अलग अलग हैं, तुम्हारी ज़िंदगी अलग है, मेरी ज़िंदगी अलग है, ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। अब तभी अमन निशा का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि निशा आखिर बात क्या है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, हम अब भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं अगर तुम चाहती हो तो। इसके बाद निशा कहती है कि अमन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, तुमने दूसरी शादी कर ली और तुम्हें एक बच्चा भी है। इस बात को सुनने के बाद अमन थोड़ा सा हैरान हो जाता, वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैंने दूसरी शादी कर ली, ये तुमसे कितने कहा। तभी जो निशा वो बताती है कि मैं उस पार्क के अंदर गई थी और वहाँ पर तुम अपने बच्चे को बिस्कुट खिला रहे थे, उस टाइम पे मैं वहीं खड़ी हुई थी। इस बात को सुनकर अमन एकदम से हंसने लगता है। उसको हंसता हुआ देखकर निशा कहती है आखिर बात क्या है, तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो। तो अमन बताता है अरे पगली, वो मेरा बच्चा नहीं था, वो मेरे दोस्त की पत्नी का लड़का था और मेरा दोस्त भी वहीं पर था, तुमने जरा सी गौर नहीं की होगी, उस महिला से थोड़ी पीछे ही एक लड़का खड़ा हुआ था, वही मेरा दोस्त था जो मुझे दिल्ली लेकर आया था। अक्सर हम लोग शाम को उसी पार्क के अंदर जाकर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं क्योंकि मेरा यहाँ पर और कोई जानने वाला तो है नहीं, तो मेरे दोस्त के साथ ही मेरी अच्छी बनती है और शाम को वो अपनी फैमिली के साथ उस पार्क में आता है तो मैं भी वहाँ पर चला जाता हूँ। बच्चे मुझे बड़े ही प्यारे लगते हैं, मैंने तुमसे भी कहा था कि हमें एक बच्चा चाहिए लेकिन तुमने इस बात को नकार दिया था, तो उसके बच्चे को मैं खिला रहा था। इस बात को जैसे ही निशा सुनती है तो वो एकदम से खुश हो जाती है और कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, वो तुम्हारी पत्नी नहीं थी और तुम्हारा बच्चा नहीं था। तो अमन कहता है कि नहीं पगली, मैंने तुमसे प्यार किया था और आज भी मेरे दिल के अंदर तुम ही हो, मैं और किसी की तरफ देख भी नहीं सकता और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब इस बात को सुनने के बाद जो निशा है वो अमन के गले लग जाती है और हंसते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे।
तो दोस्तों ये थी कहानी जहाँ पर एक पत्नी ने लालच के बस होकर अपने पति को तलाक दिया। उसके बाद वो लोग फिर एक बार से मिले और मिलने के बाद अब उनका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है। आपको कहानी जैसी भी लगे हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इन घटनाओं से हम आप लोगों को कुछ सीख देना चाहते हैं जो इन घटनाओं के अंदर छुपी रहती है। जैसे यहाँ पर इस निशा ने जो किया था लालच के बस होकर अपने पति को तलाक देना, ये अच्छी बात नहीं थी। ऐसा नहीं करती तो बहुत ही अच्छा होता। तो इन सभी सीखों को सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।